अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके तमाम अजीज़ घर में बाहरियत और महफूज होंगे। आज इस वीडियो लिंक के ज़रिए मैं आपके साथ क्लास 8 साइंस की तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ करने लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस सरगर्मियों में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे ताकि आपके कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाया जाए। जी, तो बुक की तरफ आते हैं। आज हमारा यूनिट नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन मीन इंसान, ऑर्गन मीन अजू, सिस्टम्स मीन निज़ाम, यानी हमारे जिस्म में मौजूद अज़ा का जो मुख्तलिफ निज़ाम है उनके बारे में मालूमात जो हैं आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। सो बिफोर डिस्कसिंग द कंटेंट अबाउट दिस यूनिट, हमें जो है डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है ये क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो ऑर्गन के बारे में भी पता होना चाहिए और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ जो है वो यहीं से करेंगे। इसके लिए आपको जो है रिकॉल करना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन को जो कि आपकी थी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में, कि जानदार जो है वो नशोनुमा किस तरह से करता है, आपने पढ़ा हुआ है। हम जो है रिकॉल करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को। तो मैं डिफ़ाइन करने के लिए ऑर्गन को आप लोगों को जो है थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करने लगी हूँ, आपने उसको देखना। नंबर 1, सबसे पहले हमने देखना है ओरिजिन को। ऑर्गेनिज्म जो है उसका ओरिजिन क्या है, ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन था जिसकी बेस पर सारा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता था वो एक सेल है। और साइंटिस्ट जो हैं वो बताते हैं, साइंस की स्टडीज जो है वो रिवील करती हैं कि वेरी फर्स्ट सेल जो है उसे जायगोट बोला जाता है। और जायगोट जो है वो आपका साइंस का एक सेल डिवीजन प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 2 आपका इसी से रिलेटेड है, उसी को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी कंप्लीट डिटेल जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब वो स्टडी करेंगे तब पता चलेगी। तो उसमें एक टॉपिक है आपका माइटोसिस, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता है क्या, इस प्रोसेस में जो पेरेंट सेल होता है जैसे इस वक्त जायगोट है, ये अपने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। नाउ दीज पेरेंट डॉटर सेल्स आर कॉल्ड पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल बन गए, अब ये क्या करेंगे, ये फर्दर डिवाइड होंगे, इनसे जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी फर्दर डिवाइड होंगे। यूं ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। पता हमें ये चला कि जो वेरी फर्स्ट सेल होता है अब वो लीन सेल होता है, जिस्म के तमाम सेल जो हैं वो इस सेल की वजह से बनते हैं और यूँ एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है और एक भरपूर शख्सियत हमारे सामने आती है। कम टू द टॉपिक, ये मैंने आपको हिस्ट्री जो है वो बता दी सेल की, कि सेल क्या होता है। यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन भी मिल जाती है कि सेल होता क्या है, सेल होता क्या है, यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन मिल गई। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमें इसकी डेफिनेशन मिल गई है। यहां से अब हमारा फ्लो चार्ट जो है वो कंटिन्यू करेगा। सेल के लिए सिंबॉलिक जो है मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ लाइक दिस। अब आपने देखना कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक नया स्ट्रक्चर जो है बनता है जिसे टिश्यू का नाम दिया जाता है। जब इसी तरह से 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज मिलेंगे तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे ऑर्गन का नाम दिया जाता है। एंड डेट इज आवर टॉपिक, यही हमारा टॉपिक था। यहाँ से हमें डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, यानी 2 टिश्यूज कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गन। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो आपको इसकी एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, ईयर, आई, लिवर एक्सेट्रा। आपके जिस्म में जितने भी अज़ा हैं आप उनको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ आएंगे।
जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलते हैं तो इन ऑर्गन्स के मिलने से आपको ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर मिलता है। डेट इज अगेन आवर टॉपिक। यहाँ से हमें ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन जो है वो भी मिल जाएगी। ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट कोऑपरेट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम। यानी दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स का जो है मजमुआ जो मिलकर कोई काम करता है खास काम, वो जो खास काम करते हैं उसके जरिए से वो अज़ा का एक निज़ाम पूरा बनाते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ईटीसी, इस तरह से बहुत से सिस्टम्स आपने पढ़े हुए हैं। मैं ऑर्गन सिस्टम को समझाने के लिए आपकी वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो कि कॉमन एग्जांपल है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको पता चले ऑर्गन सिस्टम कैसे हो रहे हैं इसमें शामिल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके मेन टू पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, इसका एलिमेंट्री कैनाल होती है। नंबर टू, इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की तरफ आओ तो इसके फर्दर जो है इसमें ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपका माउथ हो गया, एसोफिगस हो गए, आपकी खुराक की नाली, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, एंड लास्ट वन आपके लार्ज इंटेस्टाइन। ये तमाम ऑर्गन जो है मिलकर एलिमेंट्री कैनाल को जो है वो बना रहे हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखें तो इनमें आपका लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है सॉरी, एंड लास्ट वन पेंक्रियास। यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर भी ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं मिलकर एक खास काम जो है वो कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, और वो क्या है? डाइजेशन करना। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका काम डाइजेशन का काम है जो ये कर रहे हैं। यूं ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। आपका ये टॉपिक जो है यहाँ से क्लियर हुआ। अब आए फ्लो चार्ट के जाने। ऑर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगे तो इनके मिलने से आपको एक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप फॉर्म में मिलेगा। यूं ऑर्गेनिज्म जो है ये मुख्तलिफ स्टेजेस को कवर करते हुए बिलाहे एक ऑर्गेनिज्म भरपूर शख्सियत के तौर पर आपके सामने आता है। आज के इस इल्म से जो है जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया, आपको ऑर्गन के बारे में पता चल गया, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब इस सारे चैप्टर को समझने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना। So this very first knowledge is about the introduction of chapter number 1. कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का टॉपिक वाइज मुतालिया शुरू करेंगे और मैं आपको इस चैप्टर के टॉपिक जो है वो समझाऊंगी। यहाँ पर एक पॉइंट आएगी, मैं उसको डिस्कस करूँगी कि ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, आपका ये MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, चूँकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की क्लास है आपकी, तो आपके जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपने यूज़ करनी है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि ऑर्गन सिस्टम की तादाद हमारे जिस्म में 10 है। हमारे जिस्म में 10 वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम जो है मौजूद है। ये MCQs के तौर पर आ भी सकता है। और इस चैप्टर में आपने सिर्फ दो ऑर्गन सिस्टम जो है डेवलप ऑर्गन सिस्टम जो है पढ़ने, जो कि नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि कल पढ़ेंगे। स्टे इन टच, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।